हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हमने ये एक ड्रेस का घेरा बनाया है जो कि 5 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस का घेरा है, ठीक है। और ये घेरा हम किस तरीके से बनाते हैं, ये मैं अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आपको ये घेरा बनाना देखना है तो आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ से ये आपको घेरा बनाना आ जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने घेरा बनाया है। तो देखिए, अब इस घेरे में हम एक डिज़ाइन बनाएंगे, ठीक है। तो डिज़ाइन बनाएंगे हम रेड कलर से। देखिए, सबसे पहले तो हम नॉट लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। नॉट लगा ली और देखिए, नॉट लगाने के बाद ना हमने जहाँ से घेरा बनाना बंद किया है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए, चैन स्टिच में हम क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरीके से धागे को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन हो गया और ये हमारी एक चैन भी आ गई। अब इसके बाद में एक दो, ठीक है, दो हमने चैन ले ली और हमने ज्वाइन किया था उससे भी हमारी एक चैन इसमें बढ़ जाती है, ठीक है। और अब देखिए, इसको हम एक, देखिए इस तरीके से धागा ले लेंगे क्रोशिया हुक पर और जहाँ से हमने तीन की चैन बनाई है उसी जगह से हम एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे। अब देखिए, डबल क्रोशिया करने के बाद में यहाँ से हम थोड़ा सा इसको लंबा करेंगे, धागे को क्रोशिया ऊपर लेंगे और देखिए जो ये हमारी दो डबल क्रोशिया के बीच में जो गैप बनता है हम उसमें जाएंगे और एक बार बल ले लेंगे। फिर से धागा लिया, दो, फिर से तीन, फिर से चार, पाँच और एक छः, ठीक है। हमने 6 बार इसमें बल ले लिया। अब देखिए, दो दो करके हम निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और लास्ट में 7, ठीक है। अभी देखिए, अब यहीं से हम इसको टर्न कर लेंगे। अब देखिए, टर्न करने के बाद में जो हमारी ये, देखिए जो ये हमारा जो दूसरा डबल क्रोशिया था उसमें से हम इस तरीके से एक दो तीन चार पाँच और एक छः, ठीक है। 6 बार हमने बल निकाला। देखिए, एक बार, दो, तीन, चार, पाँच, छ, 7, ठीक है। फिर से पलट के हम आ जाएंगे सीधे साइड में और अब देखिए, हम यहाँ से इसको, या तो आप अगर चैन स्टिच काउंट करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए, नहीं तो देखिए आप इसकी लेंथ देख लीजिए कि ये हमारा कहाँ तक जाएगा। यहाँ से देखिए, 1 2 3 4 5, ये देखिए 6ठे चैन स्टिच में मैं इसको ज्वाइन करूँगी। तो यहाँ से इस तरीके से देखेंगे एकदम ये फिट आ रहा है, ठीक है। देखिए, 1 2 3, तीन की चैन और अब फिर से एक डबल क्रोशिया, थोड़ा सा लंबा करेंगे धागे को, एक दो तीन चार पाँच और एक छः, ठीक है। एक बार निकाला, दो तीन चार पाँच छः और ये लास्ट में 7। फिर से टर्न कर जाएंगे दूसरी साइड में, एक बार बल लिया, दो तीन चार पाँच छः। अब यहाँ से देखिए, एक दो, दो दो फंदों को हम एक साथ निकालेंगे, तीन चार पाँच छः 7, फिर से सीधी साइड आ जाएंगे, कंप्लीट हो गया। अब देखिए, फिर से हम इसको मेज़र करेंगे इस तरीके से, ऐसे, तो 1 2 3 4 5,
पांचवे में लाएंगे और इसको स्लिप स्टिच के साथ में ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरह से बनता हुआ आएगा। ठीक है, एक बार और मैं आपको बता देती हूँ, एक दो तीन, तीन की चैन, और जहाँ से हमने तीन की चैन बनाई है वहीं से हम एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। धागे को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यानी कि इसको हल्का सा लूज कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए जो तीन की चैन और डबल क्रोशिया है उसके बीच में हमारा एक गैप बन जाएगा। अब इसमें से एक बार लूप लेंगे, धागा लिया, दो तीन चार पाँच छः, देखिए दो को एक बार निकाला, दो को एक बार, दो को एक बार तीन, दो को एक बार चार, दो को एक बार पाँच, दो को एक बार छः और एक सात। फिर से पलट लेंगे, दूसरी साइड में आएंगे, थोड़ा सा लूज करेंगे फंदे को, एक दो तीन चार पाँच छः, सॉरी छः बार लिया और दो दो करके फिर से निकालेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और एक सात। फिर से सीधी साइड में आ जाएंगे और इसको एक दो तीन चार पाँच छठे में लाकर ज्वाइन कर देंगे, एक दो तीन धागा लिया और एक डबल क्रोशिया। ठीक है, देखिए मैंने आपको इसमें तीन पैटर्न बनाना बताए हैं कि हम किस तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक है, एक बार और हम देखेंगे, थोड़ा सा हम धागे को लूज करेंगे और इसको यहाँ से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे जिससे हम जो लूप लेंगे वो टाइट ना हो। ठीक है, थोड़ा सा इसको लूज करेंगे, यहाँ से पकड़ लेंगे, धागा लिया इस तरीके से, एक दो तीन चार पाँच छः, दो बार निकाला, दो बार निकाला, दो बार तीन चार पाँच छः और एक सात। फिर से थोड़ा सा लूज करेंगे ऐसे। ठीक है, अब देखिए फिर से गैप है, इसमें से एक दो तीन चार पाँच, एक बार निकाला, दो तीन चार पाँच छः और एक सात। फिर से पलट के सीधी साइड में आएंगे। अब देखिए एक दो तीन चार पाँच छठे मिलाकर फिर से ज्वाइन कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब एक दो तीन धागा लिया और एक डबल क्रोशिया। ये पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे हम इसका बॉर्डर बनाएंगे, तो बॉर्डर देखेंगे कि हम बॉर्डर किस तरीके से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए डिज़ाइन मेरी हो चुकी है कंप्लीट, बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन इसमें बनकर आया है। और देखिए मैंने बॉर्डर भी चोली का बना के कंप्लीट कर लिया है, और अब हम इसमें घेरे में एक और बॉर्डर बनाएंगे जो हम वाइट कलर से बनाएंगे, थोड़ी और अच्छी हमारी ड्रेस दिखेगी। देखिए जहाँ से हमने बनाना स्टार्ट किया था, जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है लास्ट में लाकर, वहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे, ज्वाइन किया एक चैन के साथ में। ठीक है, और अब यहाँ से एक दो तीन, तीन की चैन ले ली, सॉरी दो चैन लेंगे क्योंकि एक हम पहले ले लेते हैं। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर जो हमारी सात चैन स्टिच है, हमने सात बार निकाला था, ठीक है, तो उसका जो उसकी जो पहली चैन स्टिच है उसमें जाएंगे इस तरीके से और सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ठीक है, अब फिर हमें दूसरी दिखाई देगी, हम उसमें जाएंगे
सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर देखिए तीसरी में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, चार, पांच, छह और अब देखिए लास्ट में, और एक सात। ठीक है, अब देखिए नीचे लाएंगे, यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया के साथ में ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ से एक चैन और ले लेंगे, फिर हम जो पहला चैन स्टिच है उसमें जाएंगे, फिर देखिए सेकंड में जाएंगे, फिर थर्ड में जाएंगे, फोर्थ में, फिफ्थ में जाएंगे, सिक्स्थ और ये सेवन। ठीक है, अब देखिए फिर देखिए जहां हमने ज्वाइन किया यहां पर आएंगे और ये एक सिंगल क्रोशिया, एक चैन ले लेंगे, ये देखिए दो चैन ले ली। अब देखिए आगे पहला चैन स्टिच है, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छः और एक लास्ट में सात। ठीक है, अब यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे जहां हमने ज्वाइन किया था, एक और दो की चैन। तो देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनता हुआ आएगा। ठीक है, तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि ड्रेस हमारी हो चुकी है कंप्लीट, और देखिए ये हमारा बॉर्डर बनकर हो चुका है कंप्लीट। ये देखिए बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ड्रेस बनकर आई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके मेरी ड्रेस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए सबके साथ। थैंक यू।